तो ये हमें मिला हुआ है ऑक्सलिक एसिड का जो है सॉल्ट, इसका जो है मैं एक्सपेरिमेंट करके जो है इसको मतलब इसके सारे जो टेस्ट हैं उनका जो है सारे टेस्ट करके लास्ट में जो है कन्फर्मेटरी टेस्ट करना है हमें। तो सबसे पहले हम जो है प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन टेस्ट करेंगे, इसमें अगर हम इसकी स्टेट देखें इस सॉल्ट की तो ये जो है सॉलिड स्टेट में है, और इसका कलर देखा तो वाइट है, और वाइट कलर को जो है कलरलेस माना जाता है लगभग। और अगर इसमें अगर हम ऑर्डर देखें तो इसमें अगर हम अगर सुगंध देखें इसकी स्मेल देखें तो इसमें कोई स्मेल नहीं है। तो ये हमारा जो है प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन टेस्ट हमने जो है देख के इसको बता दिया, और जो भी हमारा इसमें टेस्ट था। अब हम देखेंगे सॉल्युबिलिटी बिहेवियर इसका, इसको हम पानी में घोलेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले जो है एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, ये हमारी टेस्ट ट्यूब है, और इसमें जो है हमने सॉल्ट मिलाया, और सॉल्ट मिलाने के बाद जो हमने इसमें जो है कोल्ड वाटर मिलाया, और जो हम इसे जो है सेक करते हैं, इसे हिलाते रहेंगे। अगर ये जो है हमारा जो है सॉल्ट जो है अगर इसमें घुल जाएगा तो ये जो है सॉल्युबल इन वाटर हो जाएगा। कि जो है सॉल्युबिलिटी बिहेवियर में एक सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट और आता है, उसको हम नहीं करेंगे, हम इसी टेस्ट को करेंगे। तो फाइनली ये सॉल्ट जो है हमारा वाटर में घुल चुका है। अब हम करेंगे इग्निशन टेस्ट। जैसा कि देख सकते हैं हमने बर्नर जला दी है, और ये है हमारी ग्लास रॉड, इसमें जो हम थोड़ा सा सॉल्ट लेंगे जिसे जो हम हीट करेंगे, कंपाउंड जो हमें दिया है इसको जो है हीट करेंगे, जिस या तो इसमें सूटी फ्लेम आएगा, काला धुआं आएगा, या फिर नॉन सूटी फ्लेम आएगा, देखते हैं क्या होता है। इग्निशन टेस्ट में जो है अगर जो है नॉन सूटी फ्लेम अगर आता है, अगर वाइट कलर का अगर धुआं आता है, काला धुआं अगर नहीं आता है, तो इससे पता चलता है कि ये जो है एलिफैटिक कंपाउंड है, तो इसका जो है ये इग्निशन टेस्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं वाइट धुआं जो है इसमें आ रहा है, तो ये इग्निशन टेस्ट हो गया इसका, ठीक है। अगर सूटी फ्लेम आता, काला धुआं आता, तो ये एरोमेटिक कंपाउंड होता है, तो ये जो है एक एलिफैटिक कंपाउंड है, इससे पता चलता है हमको ये इसका जो है इग्निशन टेस्ट हो गया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इग्निशन टेस्ट में अगर कंपाउंड को, जैसे कंपाउंड है, तो अगर हमने कंपाउंड लेते हैं और इसमें जो उसको हीट करते हैं, अगर सूटी फ्लेम आता है तो वो एरोमेटिक कंपाउंड होता है, और अगर कंपाउंड को हीट करके अगर नॉन सूटी फ्लेम आता है तो वो जो है एलिफैटिक कंपाउंड होता है। और हमारे इस एक्सपेरिमेंट में जो नॉन सूटी फ्लेम आया, इसका मतलब हमारा जो ऑक्सलिक एसिड है वो क्या है, हमारा एक एलिफैटिक कंपाउंड है, इससे यह हमारा निष्कर्ष निकलता है। अब हम करेंगे टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन। यह हमने जो है एक टेस्ट ट्यूब ली, और इसमें हमने जो है ऑक्सलिक एसिड को डाला। अब हमने इसमें जो है कोल्ड वाटर मिलाया। अब जैसे ही हम इसमें जो है कोल्ड वाटर मिलाएंगे और इसको सेक करेंगे थोड़ी देर के लिए, कुछ देर तक सेक करने के बाद जो है हम इसमें जो है जैसे ये सेक हो जाएगा पूरा, तो इसमें जो है हम KMnO4 सॉल्यूशन डालेंगे, वो भी थोड़ा सा एक बूंद, ठीक है। अगर ये एक बूंद डालने से हमारा कलर डिकलराइज हो जाता है तो ये हमारा टेस्ट हो गया, ठीक है। अब हम करेंगे ब्रोमीन वाटर टेस्ट, ठीक है। ब्रोमीन वाटर टेस्ट में जो है इसी प्रकार हम ब्रोमीन वाटर टेस्ट भी करेंगे। ब्रोमीन वाटर डालेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, कलर डिसअपीयर हो जाएगा ना ब्रोमीन वाटर का, तो उसको डालेंगे। डाल अंदर तक डालना पूरा। और उन्हें KMnO4 वाली इसमें डाल दिया, नहीं KMnO4 वाली नहीं है, वो दो दी थी उसको, सही है। थोड़ा सा डालना, एक बूंद सॉल्ट था फिर कोल्ड वाटर में मिलाया, उसके बाद हमने जो है ब्रोमीन वाटर डाला इसमें, जिससे कि इसका कलर जो है डिसअपीयर हो जाएगा। ये जो है हमारे भाई बढ़िया, अरे हाँ हो गया, काफी अबे हो गया डिसअपीयर, काम डिसअपीयर हो गया तो चालू भी हो जाएगा। दिखाओ वो हो गया था डिसअपीयर, मान लिया हमने डिसअपीयर हो गया। वो पानी का थोड़ा अंदाजा लगाना है, अंदाजा इसका लगाना है कि कितना लगाना है। हाँ हो जाएगा, अभी देख सकते हैं आप कलर डिसअपीयर हो चुका है यहाँ पर ब्रोमीन वाटर के साथ हमने जब मिलाया। तो अब हम कर रहे हैं ऑक्सलिक एसिड का जो है कन्फर्मेटरी टेस्ट, जिससे हमें जो है कन्फर्मेटरी टेस्ट फाइनल टेस्ट है। तो हमने जो है टेस्ट ट्यूब में जो है ऑक्सलिक एसिड को डाला, फिर जो है इसमें हमने जो है NOH की थोड़ी सी मात्रा जो है इसमें हम मिलाते हैं। ऑक्सलिक एसिड में जो है NOH को जो है हम इसको जो है घोलेंगे, इसके बाद जो हम इसको सेक करेंगे, और सेक करने के बाद जो है थोड़ी देर तक इसको जो है हम ऐसे रखते हैं। जैसे हमने इसको सेक किया पूरा, इसको घोलेंगे हम पहले, फिर जो है इसमें जो हम CaCl2 की जो है कुछ मात्रा जो है हम इसमें मिलाएंगे, जिससे जो है हमारा इसकी जो है वो लास्ट में जो वाइट PPT बन जाएगी, देखते हैं। इसमें जो हम ये है हमारी दूसरी टेस्ट ट्यूब में जो है CaCl2, अब हमने इसको जो है इसमें CaCl2 मिलाया, और इसको हम सेक करेंगे थोड़ी देर के लिए, और सेक करने के बाद जो है ये वाइट कलर का बन चुका है, और इसको हम थोड़ी देर के लिए रख देंगे, और थोड़ी देर के रखने के बाद जो है हमारा क्या है वाइट कलर की PPT बन जाएगी लास्ट में।